परसौरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, भारत में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। गुरुवार को देवगांव क्षेत्र के ग्राम परसौरा जगदीशपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, भारत में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। परसौरा पहुंचने पर सर्वप्रथम लालगंज के भाजपा जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और ग्रामवासियों द्वारा पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। गाँव से लेकर शहर तक एक समान विकास को रफ्तार प्रदान की जा रही है। किसानों के हित को देखते हुए उनके खाते में सीधे किसान सम्मान निधि की रकम भेजी जा रही है तथा खाद बीज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में किसानों को खाद बीज के लिए आंदोलन करना पड़ता था। उन्होंने कहा, सरकार के एजेंडे में नौजवान, किसान, गरीब और महिला सबसे ऊपर हैं। अब सुविधा और स्वास्थ्य जरूरतमंदों के घर तक पहुंचाई जा रही है। मूलभूत सुविधाओं के साथ भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को सरकार संवारने का काम कर रही है। इस दौरान उपस्थित गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा छोटे मासूम बच्चों को अन्न प्राशन आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, अवधराज यादव, बिलाल अहमद, ओम प्रकाश तिवारी, मोहम्मद जैद, सालेहीन प्रधान अमित चौहान, मिट्ठू अजय चौहान, ग्राम प्रधान परसौरा, पूर्व सांसद नीलम सोनकर, काशिप प्रधान समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ब्लॉक के कर्मचारी और सुरक्षा के दृष्टिगत कोतवाल देवगांव राजीव कुमार शुक्ल हमराहियों के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाए जाने की शपथ दिलाई गई। तमाम लोगों को आयुष्मान कार्ड, आवास की चाबी आदि वितरित की गई। हम देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम भारत के नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की। बीजेपी श्रीमान अजय चौहान, प्रधान विलेज परसौरा जगदीशपुर, राजेश सिंह मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, सभी सम्मानित आए हुए इलाके की सरदारी, सम्मानित मंच, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, बुजुर्गों, साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तौर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के अनेक मंत्री अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के अंदर जा रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ जगदीशपुर के अंदर आया हूँ। लालगंज के ऊपर आज के दिन मेरा स्वागत किया गया है और मैं ये सबसे पहले कहना चाहता था कि मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं सोच रहा था कि सिर्फ जो विकसित भारत यात्रा की योजना के तहत सरकारी कार्यक्रम है यहाँ पे, तो मेरे को बताया गया कि जी नीलम जी अब सुनकर हमारी एमपी साहिबन नहीं। लेकिन जिस तरह से आपका जोश देखा है, जिस तरह से खरोश देखा है, जिस तरह से कार्यक्रम आज के दिन आयोजित हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एमपी का टिकट लेकर के आएगा आने वाले समय के अंदर पूरे तौर के ऊपर पिछली हार का बदला लेते हुए उनको भारी बहुमत से आप लोग यहां जिता करके भेजिए। और जरा अगर इतिहास के ऊपर आप अपनी नजर दौड़ाएं कि हिंदुस्तान के अंदर अनेक सरकार बनी, मेजोरिटी प्राप्त करी, लेकिन एक बार भी ऐसी सरकार नहीं बनी जिन्होंने दूसरी बार बनते समय पिछली वाली मेजोरिटी को लांग करके और फिर सरकार बनाई। जब 14 के अंदर पहली बार देश ने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के लिए अपना मत दिया था तो 272
70 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में देश की जनता ने डाली थी। और जब 19 का चुनाव हुआ उसके अंदर 272 से बढ़कर के 303 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर लोगों ने, जनता ने, भारत के देशवासियों ने डाली। ये इतिहास के अंदर चमत्कार है, पहले नहीं हुआ। मेजोरिटी दोबारा भी आई लेकिन पहली मेजोरिटी को लांग करके दोबारा मेजोरिटी पहली बार नरेंद्र भाई मोदी की दूसरी पारी के अंदर ही आई। और क्या हुआ, जैसे ही आपने 303 सीट हमारे को, हमारे प्रधानमंत्री को अपने देशवासियों ने दी, साथ साथ कोविड का प्रकोप हमारे ऊपर आकर के मंडलाने लगा। और देश देश के अंदर त्राही त्राही मच रही थी कि हम कैसे अपनी जान बचाएं। लोग एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भी संक्रमण हो जाए। और 3 साल तक इसका कहर हमारे देश के जो जनता के ऊपर रहा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोविड हो रहा था, बड़े बड़े मुल्क, अमेरिका का नाम सुना होगा, ब्रिटानिया का नाम सुना होगा, ये सारे लोग जो यूं कहा करते थे कि हम शासित हिंदुस्तान पे रहे हैं, 200 बरस हमने गुलाम हिंदुस्तान को बनाया है, कोविड के दौरान इनकी पैतरी ढीली हो गई सारी की सारी, इनकी पिंडली कांपने लग गई क्योंकि अपने लोगों को ये टीका तक नहीं लगा सके। और जिन लोगों के पास टीका था वो बड़ी बड़ी कंपनियां थी और वो टीका लगाने के लिए पैसा भी लेती थी, जमीन भी मांगती थी, अनेक मुल्कों से मांगती थी, अफ्रीका से मांगती थी, लैटिन अमेरिका से मांगती थी। और उस टाइम के ऊपर जब सब जगह के ऊपर ये देखने को मिल रहा था कि टीका नहीं मिल रहा है और जान को आफत आ रही है, उस टाइम भारत के वैज्ञानिकों ने खड़ा हुआ और कहा कि हम अपने 80 करोड़ लोगों को भी ये टीका लगाएंगे और बाहर जो मांगता है हमारे से उसको भी हम टीका मुफ्त के अंदर। कोविड के बाद इंग्लैंड की सालाना दर बढ़ी 2%, फ्रांस की बढ़ी 2.5%, अमेरिका की बढ़ी सिर्फ 2.2%, और कोविड के बाद भारत की आय GDP कितनी बढ़ी, 6%। आज के दिन हमारा देश विकसित होने जा रहा है और ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है कि 2047 जो हमारे देश को आजाद हुए पूरे 100 साल हो जाएंगे, तो आज के दिन हम 4th स्थान के ऊपर हैं, लेकिन 47 के अंदर हो सकता है हम दूसरे स्थान पे आ जाएं, हो सकता है हम तीसरे स्थान पे रह जाएं। लेकिन अगर जिस तरह का योगदान आज के दिन जनता दे रही है, जिस तरह से सरकार आज के दिन कार्यरत है, मैं समझता हूं कि 47 के अंदर हम और आप, हम तो मेरे जैसे तो रहे रहे ना भी रहे, लेकिन आप जैसे लोगों के बच्चे, हमारे लोगों के बच्चे ये कहेंगे कि हम अमरीका जाना पसंद नहीं करते, हम इंग्लैंड जाना पसंद नहीं करते, हम गोरों के जाकर के यहाँ पर कुछ सीख नहीं लेना चाहते, बल्कि उल्टा असर होगा, उल्टी गंगा बहने लग जाएगी कि अमेरिकन, फ्रांसीसी, रशियन, अंग्रेज वो हमारे देश के अंदर आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दर और सबसे ज्यादा विकसितता हमारे इस देश के अंदर होगी। मैं नीति आयोग के अंदर एक मंत्री हूं नरेंद्र भाई मोदी का, हमारे देश के अंदर पावर्टी का नाम लेते लेते हमारे बुजुर्ग मर गए। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती थी कि हम पावर्टी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन आज इस मंच के ऊपर खड़ा होकर के गर्व के साथ मैं यूं कह सकता हूं कि 2013-14 से लेकर के और 2022-23 तक जो लोग गरीबी के रेखा के नीचे रहा करते थे, एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, उसके तहत 24 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं 10 साल के अंदर, या 9 साल समझो जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने। ये भारी उपलब्धि है,
कोविड के उपरांत इस तरह की उपलब्धि करना सहज बात नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे प्रधान बोल रहे थे और आप लोगों ने हाथ उठाए थे कि कितना लोगों को राशन मिला, 80 करोड़ लोग देश के अंदर मुफ्त राशन आज के दिन पर, हमारी कुल संख्या 140 करोड़, 80 करोड़ लोगों को आज के दिन मुफ्त राशन नरेंद्र भाई मोदी की सरकार दे रही है। किसान सम्मान निधि, यहाँ पर किसान, मैं देख रहा था कि बहुत डिपार्टमेंट किसानों के भी यहाँ पर है, किसान सम्मान योजना 6,000 रुपए सालाना हर छोटे किसान को मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से, लेकिन इसके अंदर अब तरमीम करने जा रहे हैं, बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। कुछ महिलाएं उठ गई, लेकिन उनको बताना चाहता हूं मैं कि जिस तरह से 6,000 रुपए सालाना एक किसान परिवार को मिलता है, आने वाले समय के अंदर 600 रुपया उस किसान परिवार की महिलाओं को भी दिया जाएगा, यानी कि कुड़बे को तो मिले ही मिलेगा, लेकिन उस घर को जो संभालने वाली महिला है उसको भी अलग से 6,000 रुपया मिलेगा, यानी कि उस कंधे को कुल मिलाकर के साल के अंदर 12,000 रुपया मिलेगा। आयुष्मान भारत का भी जिक्र कर रहे थे हमारे प्रधान जी, 11.5 करोड़ कुटुंबों को आज के दिन आयुष्मान कार्ड उपलब्ध हो सकता है, जिससे वो 5 लाख तक के लिए अपनी मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। आज मैंने यहाँ पर हमारे अफसर साहिबान भी हैं, लेकिन मैंने आयुष्मान भारत का सिलेंडर या किसको दिया है किसको नहीं दिया है वो मेरे को नजर नहीं आया, कहते हैं यहाँ पे अगर है तो मैं देख करके जाऊंगी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जो भारत सरकार की और मोदी सरकार की है वो ये है कि मुफ्त के अंदर सिलेंडर दिया जाए, और उस मुफ्त सिलेंडर के तहत 10 करोड़ कुटुंबों को ये दिया गया। तो ये सारी चीजें आज आपके जहन के अंदर है, मैं सिर्फ इसलिए दोहरा रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर इलेक्शन का ढोल बज जाए और लोग आपको अनेक अलग अलग बातें कहने शुरू कर देंगे, और जब तक कि आपके बात के अंदर दोबारा से ये काम दोहराया नहीं जाए, आपके जहन के अंदर बैठेगा नहीं कि हमने 10 साल के अंदर या मोदी सरकार ने 10 साल के अंदर क्या क्या किया है, हो सकता है आप लोग बहक जाओ। मैं नहीं चाहता कि बसपा, जब कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी ये उम्मीद करती है कि 350 सीट लोकसभा की हमारे को प्राप्त होंगी,